हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिकेट अड्डा के चैनल पे। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि केकेआर ने, जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिटेंशन के दौरान क्या गलतियां की हैं, और वो क्या नहीं करते तो फिर वो उनकी टीम अभी और भी अच्छे पोजिशन पर होती। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि केकेआर ने किन चार प्लेयर्स को अपनी टीम में रिटेन किया है। तो सबसे पहला नाम आता है आंध्र रसेल का 12 करोड़ रुपए में, वरुण चक्रवर्ती को 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया है, वेंकटेश अय्यर को 8 करोड़ रुपए, वहीं सुनील रैन को 6 करोड़ रुपए में वो अपनी टीम में रिटेन किए। अब यहाँ पर हैरानी की बात ये है कि अगर आप 12 करोड़, 8 करोड़ और 8 करोड़, वहीं और 6 करोड़ रुपए को अगर आप ऐड करते हो तो टोटल 34 करोड़ रुपए होते हैं, लेकिन केकेआर के पर्स से टोटल 42 करोड़ रुपए कट गए हैं और उनका पर्स बैलेंस है 48 करोड़ रुपए। अब आप लोग में से सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर जब उसने 34 करोड़ में चार प्लेयर्स को रिटेन किया है तो उसके एक्स्ट्रा 8 करोड़ रुपए कहाँ कटे। तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल रिटेंशन का ये नियम है कि अगर आप दो फॉरेन प्लेयर और दो इंडियन कैप्ड प्लेयर को रिटेन करते हैं अपनी टीम में तो उसका टोटल जो आपके पर्स बैलेंस से पैसे कटेंगे वो 42 करोड़ रुपए कटेंगे। अब यहाँ पर केकेआर वालों ने गलती क्या किया मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो वो अपने शुभम गिल को, जो कि उनके ओपनर थे, जो कि अच्छे खासी ओपनिंग करते थे अपनी टीम के लिए, उनको रिटेन नहीं किए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने रसेल को रिटेन किया। चलो कोई बात नहीं, रसेल बड़े नाम है, छोटे दर्शन है वो अलग बात है, लेकिन रसेल ऐसे खिलाड़ी किसी भी टीम के में इम्पैक्ट प्लेयर रहते हैं, तो उन्होंने रसेल को रिटेन किया, चलो ठीक है। वरुण चक्रवर्ती को किया, मिस्ट्री स्पिनर है, वो भी ठीक है। अय्यर को किया क्योंकि वो उनके तरह जो मिडिल पेस में जो वो बैटिंग करते हैं या फिर ओपनिंग करते हैं वो बहुत ही शानदार गेम खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे सुनील रैन को रिटर्न करने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि आप वहाँ पे लॉकी फर्गिसन, जो कि आपके लिए हर एक मैच निकाल के देते हैं, आपको याद होगा कि वो पिछले साल जो आरसीबी के खिलाफ बॉलिंग कर रहे थे तो वो 6 रन चेस कर लिए थे और आरसीबी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिए थे। जो बंदा आपके लिए 150 के रफ्तार पे बॉल भी फेंक सकता है, स्लो बॉल भी कर सकता है, वहीं आपके टीम के लिए स्कोर भी कर सकता है, आप उस प्लेयर को रिटेन नहीं किए। अगर केकेआर वाले चाहते तो वो लॉकी फर्गिसन को 8-10 करोड़ में रिटेन कर लेते, वहीं सुनील नारायण को रिलीज कर सकते थे, क्योंकि सुनील नारायण ऑक्शन में आराम से 3-4 करोड़ में पिक हो जाते। केकेआर वालों ने चार प्लेयर्स को रिटेन किया 34 करोड़ रुपए में, जबकि उनके बैंक बैलेंस से कट गया 42 करोड़ रुपए। ये जो 8 करोड़ रुपए उनके पर्स से ज़्यादा कट गए, एक्स्ट्रा कट गए, वो 8 करोड़ रुपए को अच्छे जगह पे निवेश कर सकते थे। खैर, उम्मीद है कि मैं क्या समझाने का प्रयास किया हूँ आप जरूर समझोगे इस वीडियो से। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, अगर नहीं किए जाके लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। IPL से जुड़े हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।